हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल जिसका नाम है फूड अपबीट्स पर बनाने वाली हूँ स्पिनाच नूडल्स यानी पालक नूडल्स। जैसा हम सभी जानते हैं, पालक आयरन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स से फुल्ली लोडेड एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, बट इसका टेस्ट थोड़ा डल हो सकता है। तो चलिए हम पालक को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो लेट्स सी, इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। स्पिनाच यानी पालक 100 ग्राम, नूडल्स 1 पैकेट, चॉप्ड अनियन 1 मीडियम साइज, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून, मेयोनीज 4 टेबलस्पून, रिफाइन ऑयल या ऑलिव ऑयल 1 टेबलस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट। तो सबसे पहले 100 ग्राम पालक को वॉश करके ब्लांच कर लेंगे। पालक को ब्लांच करने के लिए मैंने पहले 2 से 3 कप पानी को बॉईल कर लिया है। एक बॉईल आने पर पालक के पत्ते डालेंगे। पालक को 2 मिनट बॉईल कर लेंगे। 2 मिनट के बाद जब इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाए, तब इसे ठंडे पानी में डालकर इसके टेम्परेचर को नॉर्मल कर लेंगे। फिर ग्राइंडर में डालकर इसकी प्यूरी बना लेंगे। आपको अलग से प्यूरी बनाने के लिए पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इजीली ग्राइंड हो जाएगी। अब हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। कढ़ाई अच्छे से हीट हो जाने पर 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो जाने पर चॉप्ड प्याज डालेंगे। मैंने 1 मीडियम साइज के प्याज को चॉप्ड कर लिया है। प्याज को लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। फिर जो पालक प्यूरी हमने रेडी किया था वो डालेंगे। 1 से 2 मिनट लो फ्लेम पर पालक को फ्राई करेंगे। फिर बॉइल्ड नूडल्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर 4 टेबलस्पून मेयोनीज ऐड कर मिक्स कर लेंगे। मेयोनीज पालक और नूडल्स के साथ प्रॉपरली मिक्स हो जाने पर हम डालेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1 टीस्पून। अगर मिक्स्ड हर्ब्स ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, टेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बट मिक्स्ड हर्ब डालने से इसका टेस्ट इन्हेंस ज़रूर हो जाता है। फिर 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर ले और ये लीजिए, बन गया हेल्दी पालक नूडल्स। मैंने थोड़ा रेड चिली फ्लेक्स से इसे गार्निश किया है। पालक नूडल्स एक हेल्दी स्नैक ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी स्पिनाच नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड अपबीट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर।